हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे हम लोग पोरबंदर में रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग को जाना था द्वारिका, तो द्वारिका बहुत दूर हो रहा था। फिर हम लोग को सबको नींद आने लगी थी, तो हमने सोचा कि हम लोग पोरबंदर में ही रुक जाते हैं और सुबह द्वारिका के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर है द्वारिका। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और सब लोग तैयार है ना? यस, तो सब लोग तैयार है, तो यहाँ से निकलने की प्लानिंग है और यहाँ से निकलते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे द्वारिका में और क्या क्या करेंगे। पोरबंदर से जा रहे हैं द्वारिका, तो रास्ते में एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ ये समुद्र कितना सुंदर है और ये बिल्कुल हरा पानी है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, पर बहुत ही सुंदर व्यू है। द्वारिका पहुंच चुके हैं, आ गए हैं यहाँ पे होटल में। होटल का नाम है रुद्र प्लाजा, अच्छा होटल है, प्लेस का है होटल। घूमने जा रहे होटल का रूम, ये सामने बेड है और यहाँ पे टीवी है, वार्डरोब रखी है और ये सामने बालकनी है। बालकनी से मंदिर का व्यू दिखता है, आपको दिखाते हैं। आपको दिखाती द्वारिकाधीश मंदिर, वो देखिए फ्लैग दिख रहा है जो, वो द्वारिकाधीश मंदिर का ही है। ये देखिए, मंदिर पास में ही है और आपको दिखाते हैं आगे। ठीक है, बाथरूम छोटा है पर ठीक है। निशल निशल के पापा मस्ती कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, लंच वंच करके हम लोग आए होटल से, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है। यहाँ दिखाते हैं आपको कितनी बड़ी विशाल शिव जी की मूर्ति बनी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत विशाल मूर्ति शिव जी की। ओम नमः शिवाय। डर भी लग रहा है, मन भी हो रहा है छूने का, ऐसे नहीं करते। ए निशल को पकड़ो। अरे आगे हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग आगे निकल चुके हैं भेड़ द्वारिका के लिए। तो जहाँ पे हम लोगों को अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ देनी होगी, फिर आगे हम लोग जाएंगे शिप से। तो आगे चलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। भेड़ द्वारिका पहुंच चुके हैं, तो आपको आगे दिखाते हैं कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। कलरफुल बोट है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, और इसी टाइप की बोट होगी जिससे हम लोग वहाँ पे जाएंगे भेड़ द्वारिका। ये देखिए, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये ब्रिज तोड़ा हुआ है। पहले हम लोग आए तो ये ब्रिज था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बोट है रेडी, शायद एक बोट रवाना हो रही है, दूसरी लगी हुई है बैठने के लिए। हम लोग जा रहे हैं उसमें बैठेंगे आराम से। बैठ चुके हैं, ये देखिए क्यों हंसी आ रही है, है? नंदिशा मजा आ रहा है बोट में बैठने पे? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार है भाई। हवा में फेंको जरा। अरे
मेरी कैच कर ली, कैप्चर नहीं कर पाए। दर्शन करके वापसी करते हुए हम लोग, फोन अलाउ नहीं था तो आप लोग को नहीं दिखा पाए कि क्या हो, मतलब कैसा मंदिर है, क्या दर्शन हुए हमें। तो अगर आपका भी मन करे तो आप भी आइए यहाँ दर्शन करिए द्वारिकाधीश में, भेंट द्वारिका में। ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, मतलब ऐसी चीजें मिल रही है चीनी की। चलो ले लेते हैं, देखते हैं कुछ सुंदर दर्शन के बाद हम लोग वापसी करते हुए, और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर यहाँ पे सनसेट लग रहा है, दिखाते हैं।